वेलकम बैक टू माय चैनल काजल फैशन रिव्यू में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि पर्पल पे चल रही है अच्छी खासी सेल, यानी कि बैंड बाजा ब्यूटी सेल। यस, 21 से 28 नवंबर तक काफी अच्छा ब्रांड्स पे आपको 50% ऑफ तक आपको मिल रहा है। तो हर एक चीज पे आपको सेल मिलेगी, चाहे वो मेबलिन हो, लॉरियल हो, पर्पल हो, या फिर जितने भी ब्रांड्स हैं पर्पल पे, हर एक चीज पे आपको बहुत अच्छी खासी 50% तो ऑफ मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि अगर आप बहुत दिनों से ना कि बहुत सारी चीजें, अपनी फेवरेट चीजें ना ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है या फिर विश लिस्ट में रखा हुआ है, तो मेक श्योर कि आप इस टाइम पे जरूर परचेज करें, क्योंकि ये टाइम ना बहुत बेस्ट टाइम होता है कि जहाँ पे आप अपने सारे फेवरेट चीजें ना बाय कर सकते हो विथ रिजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ चीजें बाय की है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो जो ये वीडियो, और ये सिर्फ एक हॉल वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें रिकमेंड भी करूंगी कि आपको लेना चाहिए। अगर आप पर्पल से आपने बहुत सारी शॉपिंग की है तो कुछ चीजें हैं जो कि उनके प्रोडक्ट ना मतलब बता नहीं सकती हूँ, लाइफ सेवर होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये एक तरीके का हॉल भी होगा एंड रिकमेंडेशन भी रहेगी आपके लिए कि कौन सी चीज सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ, फटाफट से वीडियो करती हूँ स्टार्ट। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले 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 मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पे मैंने ना बहुत सारी चीजें बाय की, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज फटाफट से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज है एंड आपको यहाँ पे आंख बंद करके बाय करना चाहिए, वो है डनडॉक का एंटी फेस जेल। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड ये मैं आपके के लिए मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप एक्ने, आपके फेस पे ना एक पिंपल खत्म होता है एंड सेकंड आ जाता है, या फिर आपके फेस पे दाने हो रखे हैं, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है ना, तो आप ये जरूर यूज कर सकते हो। एंड ये मेरी स्किन पे कैसे वर्क किया था मैं आपके साथ स्पेशल वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे ऐसे गर्ल्स या फिर बॉयज भी होते हैं जो ना बहुत परेशान होते हैं अपने यहाँ पे ना, उनके ना बहुत पिंपल्स एंड एक्ने हो जाते हैं एंड बहुत पैसे बर्बाद करते हैं, हर चीज यूज कर लेते हैं बट ना सॉल्व नहीं होता। तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, तब तक के लिए आपको मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे मैंने डनडॉक का फेस जेल मैंने बाय किया है। तो मैंने डनडॉक, मुझे 1 ईयर हो चुका है उसका फेस वॉश एंड उसका फेस सीरम यूज करते हुए एंड अमेजिंग रिजल्ट होते हैं उसके, बहुत बेस्ट होता है। तो ये है विद सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप किसी भी स्किन डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको ना ऐसा क्रीम, ऐसा फेस वॉश ही आपको रिकमेंड करेगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो है 249 एंड मुझे ऑफर प्राइस में मिल गया था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी सब कुछ। तो ये है, मुझे 100 ग्राम मिला है एंड ये है पैराबेन सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री है, तो जो कि बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, ये एक आपको ना बहुत अच्छे बॉक्स में आपको मिलता है, इसके अंदर जेल होता है एंड यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा, आपका प्राइस वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ मेंशन रहेगा। और इसका जो साइज है ना, ये बहुत अच्छे टाइम तक आपका चल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ जेल होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ एंड इसके ऊपर ना एक कवर सा होता है जो कि मैंने निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मुझे बहुत बॉदर करता है ये। कुछ अंदर में ना इसका इस तरीके का जेल होगा एंड वेरी लाइट वेट, बहुत क्रिस्टल क्लियर, आप देख सकते हो इसका जेल है एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत सूदिंग सी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ना आपकी स्किन पे लाइक एलोवेरा जेल पूरा मेल्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ ना आप देख सकते हो कि बिल्कुल आपने कुछ अप्लाई किया है, तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसको 2 टाइम जरूर यूज करती हूँ, फर्स्ट तो मॉर्निंग, सेकेंड नाइट टाइम में जस्ट इसको अप्लाई करती हूँ एंड मॉर्निंग मेरी स्किन फ्लॉलेस मुझे मिलती है, कोई पिंपल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मुझे ना एक पिंपल हुआ था एंड आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे, बाय द वे मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं किया हुआ है एंड आप देख सकते हो कि मेरा जो पिंपल है ना कितना ठीक हो चुका है। तो मस्त मस्त मस्ट बाय, मतलब मेरे कहने पे अगर आपके आप अपने फेस के स्किन से बहुत परेशान होना लॉन्ग टाइम, तो मस्ट बाय, एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। एंड मूव ऑन करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने बाय किया है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो फ्रूट फेस पैक। तो ये मुझे काफी ज्यादा डिसेंट सा होता है, इसका प्राइस भी काफी अच्छा है, ये आपको मिल जाता है 140 रुपीज में, तो काफी अच्छा है एंड ये 100 ग्राम होता है। तो ये ना वाइटनिंग, डीप पिगमेंटेशन, टैन रिमूवल फेस पैक है फॉर ऑल स्किन टाइप। तो अगर आपकी स्किन ना बहुत ज्यादा टैन हो गई है धूप में रह रहे, या फिर आपको अपना फेस ना थोड़ा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, या फिर
कहीं थका थका या टायर्ड सा फेस लग रहा ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। एंड ये ना बहुत 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 अच्छा है, तो एक बार जरूर ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। तो सेकंड ये था। ओके, मैंने इस बार बाय किया है NY बेकर रनवी रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैंने NY बेकर फेस कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है, बट मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी। एंड दिस टाइम NY बे ने ना न्यू लॉन्च किया है अपने कॉम्पैक्ट पाउडर में, तो इस टाइम मैंने इसको बाय किया है। ये कुछ इसकी जो पैकेजिंग, अच्छा जो मेरा शेड है वो है 1 पेल आइवेरी। तो इसका कुछ जो पैकेजिंग है, मतलब पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, यू नो मैट में ये, इसका कुछ कार्डबोर्ड टाइप का आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। एंड अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर से ये कुछ इस तरीके का स्क्वायर में मिलता है। जो फर्स्ट लास्ट वाला था वो राउंड शेप में था, एंड ये स्क्वायर शेप में है, तो काफ़ी ज़्यादा यू नो ठीक है, हैंडी है। एंड अंदर से आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा यू नो फुल साइज का मिरर मिल रहा है, एंड इसमें आपको शेड मिल रहा है। तो शेड वॉज टू गुड, मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। एंड एक शीट सा है, एंड शेड काफ़ी अच्छा है, मेरी स्किन से काफ़ी ज़्यादा यू नो मैची मैची सा हो रहा, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। एंड ब्लेंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया। तो एंड इसके साथ मिलता है एक पफर, जो जिस तरीके से आप अपने कॉम्पैक्ट को यू नो सेट कर सको, तो ये काफ़ी हद तक सही है। एंड मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड मैं सोच भी रही थी कि मैं एक 1 ब्रांड मेकअप यू नो करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। इट्स अ क्यूट, एंड इसको वापस से ऐसे रख देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैंने इस बार बाय किया है NY का, मैं कॉन्टोर मैंने बाय किया है। एंड लास्ट वीडियो मैंने आपको इसको यूज़ करके भी दिखाया था, एक तरह का रिव्यू उसी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने बाय किया है NY का बे, या आप एक तरह से ये फाउंडेशन कंसीलर एंड कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक, मतलब ये ऑल इन वन है। जिनका शेड इस टाइप का है वो एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, या एज अ कंसीलर, एज अ कॉन्टोर, एज अ कलर करेक्टर स्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ कॉन्टोर, एंड ये काफ़ी 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 अच्छा है। एंड द शेड इज टोस्ट 7। एंड ये अंदर से सेम जैसे बाकी कंसीलर NY के हैं, सेम वैसे ही है। एंड कलर जस्ट डिफरेंट एंड नथिंग, ये कुछ इस तरीके का है। एंड इसका कॉन्टोर ना फैबलेस, बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर मैं इसको जस्ट ना यहाँ मैंने यूज़ किया है ना, तो आप मैं आपको करके दिखा दूँ, बहुत 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 आप देख सकते हो कितनी क्रीमी कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, जस्ट फिंगर टिप की हेल्प से आप देख सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्टोर, आप देख सकते हो बहुत 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 प्यारा है यार, बहुत, मतलब अंडर बजट में इससे बेस्ट आपको कॉन्टोर कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, ये देखो जस्ट मैंने इसको यहाँ यूज़ किया, एंड सी सब ब्यूटीफुल शेड यार, मतलब मैंने तो अभी इसको यूज़ करके आपको दिखा दिया, जस्ट लाइव विथ लाइव डेमो आप कह सकते हो। एंड आप देख सकते हो माई कॉन्टोर इज़ डन, मतलब फिंगर की हेल्प से आप अपना कॉन्टोर यूज़ कर ले लो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। एंड मैं इतनी ज़्यादा यू नो आप कह सकते हो क्रीमी कॉन्टोर की इतनी बड़ी मैं फ़ैन नहीं हूँ, बट आई लव इट, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हो इट्स ब्यूटीफुल, यू नो एक बहुत प्यारा सा ना स्ट्रक्चर दे दिया है, एंड जस्ट इतना छोटू सा ना इतना बड़ा कमाल कर गया है। तो अगर आपने बहुत दिनों से ना बहुत बजट फ्रेंडली आप देख रहे हो ना कॉन्टोर, आँख बंद करो NY को चुनो, मैं कहूँगी आप ना कभी भी ना रिग्रेट फील नहीं करोगे, इतना प्यारा है। एंड ब्लेंडिंग इस आपको तो दिखाई दिया मैंने, तो मस्ट 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 बाय करना चाहिए आपको अगर आप बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छा कॉन्टोर ट्राई करना चाहते हो। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट दिस टाइम मैंने बाय किया है पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक। तो इसमें मैंने मिनी लिपस्टिक्स यू नो मैंने ट्राई किए हैं, क्योंकि ना ब्रांड्स की सबसे अच्छी बड़ी बात ये होती है ना कि वो आपको मिनी वर्जन पे ना चीज़ें देती है। तो इससे क्या होता है ना कि आप पहले उनको ट्राई कर लेते हो, एंड आपको अच्छा लगता है तो आप बड़ा वाला फिर से मंगा सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हम मंगा लेते हैं, एंड मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि मैंने मंगा तो मैं लेती हूँ लेकिन वो मेरी स्किन पे सूट नहीं किया, या फिर मुझ मतलब मेरे पे ना अच्छी इतनी अच्छी तरीके से खिला नहीं, तो वो ना वेस्ट हो जाते हैं सारा का सारा, एंड वो ऐसे पड़ा रहता है।
तो मीनिंग इसका क्या होता है, आप उसको आराम से ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगा तो आप दोबारा से इसका बड़ा वाला वर्जन मंगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिए तीन शेड, जो कि फर्स्ट शेड तो मैंने अप्लाई करके रखा, इतना ब्यूटीफुल न्यूडिश कलर, आई लव इट। शेड है वो मैंने बाय किया था एंड द शेड नंबर इज 24, माई फर्स्ट शॉपिंग स्पायर आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना छोटू छोटू सा ना दिख भी नहीं रहा है। तो पैकेजिंग वॉज टू क्यूट, आप देख सकते हो पैकेजिंग बहुत 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 प्यारी है, कुछ इस तरीके की है एंड कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी, बहुत प्यारी से प्यार से इनको पैक किया गया है एज अ ब्यूटिफुल शेड। तो फर्स्ट जो शेड है मेरा, मैं आपको दिखा देती हूँ, इट्स लुक क्यूट एंड काफी हैंडी, आप ट्रैवल में भी ना इसको आराम से कैरी कर सकते हो, टू 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 क्यूट। तो जो फर्स्ट शेड है वो मेरा, वो है शेड नंबर 24, नेम काफी बारीक लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगी। तो इसका जो शेड है ना, मैं आपको स्वेचेस भी दिखा देती हूँ, द शेड इज सो हॉट, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड एंड ये थोड़ा ये प्रॉपर मैट है मैं बता दूं, एंड ये आई थिंक मुझे 200 समथिंग का ही मिल गया था, यस 200 समथिंग का। तो इट्स अ ब्यूटिफुल शेड एंड इट्स अ प्योर मैट, यस प्रॉपर मैट है, बिल्कुल भी यू नो थोड़ा सा टाइम, इट्स अ टेक अ टाइम यू नो जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स एंड इसके बाद पूरा फुल तरीके से ड्राइप हो जाता है तो और ज्यादा ब्यूटिफुल लगता है। एंड द सेकेंड शेड इज शेड नंबर इज 17, माई फर्स्ट मेड ऑफ ऑनर मोमेंट। या इनके ना शेड के नाम ना थोड़ा कुछ इसी टाइप के हैं एंड इसका शेड भी ना काफी ज्यादा क्यूट है, ये मैंने अप्लाई करके रखा है, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड, आप देख सकते हो इसका बहुत बहुत बहुत, मुझे ना तीनों में से सबसे प्यारा यही लगा ना, मुझे सबसे प्यारा ना यही लगा कि इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूडिश वार्म कलर एंड आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा प्रॉपर मैट है, देख सकते हो। एंड इसमें मैं फर्स्ट तो मेरा शेड ये था एंड सेकेंड शेड में आपको यहाँ पे स्वेचेस दे देती हूँ, या सेकेंड शेड इज दिस, इट्स लुक सो प्रेटी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, एकदम थोड़ा सा यू नो पिंक एंड न्यूड एंड थोड़ा ब्राउन का मिक्सचर है एंड काफी ज्यादा सेटल कलर है, मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। तो सेकेंड ये था एंड थर्ड है शेड नंबर इज 20, माई फर्स्ट गॉसिप, या ये भी कुछ इसी तरीके की पैकेजिंग है एंड द शेड इज, मैं आपको दिखा देती हूँ, टू क्यूट एंड वो शेड नंबर 20 था, ये 17 है। तो शायद कैमरे में आपको लगे कि ये सेम है बट ये सेम नहीं है एंड थोड़ा मैं इसको ड्राइप होने देती हूँ कि आपको अच्छे से इसका प्रॉपर मैट टेक्सचर दिख जाए। तीनों शेड इज अ ब्यूटीफुल शेड, ये काफी ज्यादा प्यारे हैं, ये लाइक ऑरेंज एंड रेड का मिक्सचर है एंड ये दोनों शेड काफी ज्यादा क्यूट है एंड बीच वाला तो मैंने वेयर करके ही रखा है, ये प्रॉपर मैट है, अगर आप चाहो ना तो जरूर ट्राई कर सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल शेड। एंड देन नेक्स्ट बट लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने बाय किया है एन वाई का ब्लिंकिंग आई शेडो, या ये कुछ इस तरीके का मिनी आई शेडो है, ये काफी ज्यादा क्यूट है एंड ये काफी छोटू से है एंड मिनी वर्जन लेना बेस्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे बाय किया है। तो ये है लिन कॉलन सेंटर 16, शेड थोड़ा वियर्ड सा है एंड द शेड कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो चारकोल ग्रे कलर एंड ये काफी ज्यादा अच्छा है कि यू नो थोड़ा स्पार्कल, अगर आप आई मेकअप करना चाहते हो, स्मोकी आई मेकअप करना चाहते हो एंड पिगमेंटेशन वॉज टू गुड गाइज, टू गुड, आप देख सकते हो इसका जो कलर है ना, आप देख सकते हो टू गुड, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, आप देख सकते हो, मैं आपको स्वेचेस भी दे देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है एंड सो ब्यूटिफुल कलर एंड बहुत ईजी तरीके से यू नो ब्लेंड हो रहा है बहुत आराम से एंड आई थिंक कि इससे आप ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट आई लुक क्रिएट कर सकते हो एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है एंड आई थिंक 56 या 96 समथिंग कुछ इस तरीके का है, सिंगल पैलेट आप बाय कर सकते हो। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा पर्पल हॉल विथ रिकमेंडेशन, तो ये जो भी मैंने हॉल आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये वो सारी चीज़ें जो मैं खुद मैंने यूज़ किया एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है, आप इनमें से कुछ भी अगर ट्राई करते हो ना तो 101% श्योर आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। तो अगर आप इनमें से कुछ भी बाय करते हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, मुझे कमेंट में बताना कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगे, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू, ब्लेस यू गाइस।